मैं डॉक्टर शिवचंद्र मिश्रा हूँ। मैं सन 1970 में MBBS बीकानेर से किया था, तब से मैं सतत चिकित्सा कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं CMHO बारास के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेडिकल प्रोफेशन जो नीट है, बच्चे आप नीट में के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिकल प्रोफेशन में वही आदमी आए जिनके पास धीरज बहुत हो, जिसके मन में शांति बहुत हो, जो किसी भी चीज से भयभीत नहीं हो, जो कार्य को ही भगवान समझे, रिजल्ट को भगवान नहीं माने, रिजल्ट को भगवान। आप दैनिक क्रिया में जब मेडिकल में चिकित्सा के कार्य में आओगे तो देखोगे कि 5 केस मैंने अगर चिकित्सा में ट्रीटमेंट किया है तो मेरा 4 केस फेल हो गया है, वो ठीक नहीं हुआ है। दूसरे दिन आपको आकर के उल्टी अच्छे बोल भी बोल सकते हैं, बुरे भी बोल सकते हैं। तो उसमें आपको अगर टेंशन हो जाएगा कि मैं तो यार ये कल जो दवाई लिखा इसमें फेल हो गया, तो आपको तो मेंटल संतुलन खराब हो जाएगा। ये कतई कुछ नहीं है। मेडिकल में हर घंटे पढ़ाई, हरदम परीक्षा होती है। आप तो एक बार नीट के परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब ट्रू लाइफ में डॉक्टर बन के आओगे तो आपको तो हर कदम पर ही परीक्षा देना है। अब आप हर कदम पर टेंशन करोगे तो आपके तो मानसिक अशांति और मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए चिकित्सा में मैं सबको यही कहा करता हूँ कि पहली बात तो है कि जिसके पास धीरज हो, जिसके पास शांति हो, जिसको मेहनत करना हो, वही इसमें आवे। देखिए आप जो पढ़ते हो मान लो 8 घंटा 6 घंटा, लेकिन चिकित्सा में आओगे तो आपको कम से कम 18-18 घंटा काम करना पड़ेगा। तो आप तो कहोगे यार पहले तो मैं 6 घंटा में घबरा जाता था और सारे रिजल्ट चाहता था कर लूं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। परीक्षा जो पढ़ोगे, अगर शांतिपूर्वक पढ़ोगे, मन में शांत रख करके पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि मेंटल शांति, दूसरी बात है कॉन्फिडेंस। हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उसमें हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें याद है। अगर कॉन्फिडेंस है और मन की शांति है तो प्रश्न जो आता है उसमें बेटर ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब में बेटर ऑप्शन हम ज्यादा से ज्यादा नजदीक कौन सच्चाई के आसपास है। तो इस ढंग से आप उसको अच्छे कवर कर सकते हो। पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना लगन से जरूरी है। और मैं कहता हूं कि पर वही आदमी सफल होगा जिस चीज का चैप्टर का कॉन्सेप्शन क्लियर हो। अमूमन आजकल के नोटबुक ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की जवाब पढ़ लेते हैं वो भी ठीक है, रट लेते हैं 10-5 साल का, लेकिन जिस चैप्टर का वो क्वेश्चन है उस चैप्टर का अगर कंसेप्शन क्लियर है, अच्छी ढंग से आप उस चैप्टर को तैयारी कर लेते हैं, तो कोई भी उल्टा सीधा चैप्टर प्रश्न आएगा तो आपको जवाब दे सकते हो। लेकिन कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा तो एक चीज का जवाब में आप उलझ जाओगे। जवाब कई तरह के क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। चौथी बात, तीसरी बात है कि परीक्षा सतत तैयारी है पढ़ाई की। पढ़ाई के बीच में ब्रेक करना या बीच में रोक देना इससे भी नहीं होता है, इसलिए उन चैप्टर को बराबर दोहराते रहना चाहिए। मैंने ये अपनी परीक्षा में ये देखा कि जिस चैप्टर को मैंने 25 से 30 बार तैयारी किया पढ़ा, वो चैप्टर मेरा बहुत अच्छा रहा, वो प्रश्न मेरा बहुत अच्छा गया। तो आप ये सोच सकते हो कि इस चैप्टर को 20-25 बार, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आपको पढ़ने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, सूझबूझ भी रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको मेहनत भी जरूरी है। और लास्ट बात जो है वो सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ वो आराम का है। आराम भी नियमित निश्चित रूप से करेंगे, सोएंगे भी, जो आदमी खूब सोएगा
वो बहुत याद करेगा, वो बहुत पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा वो बहुत याद करेगा। मेरे एक उदाहरण याद है कि मेरे एक साथी था विनोद राय, वो 18 घंटा पढ़ता था, अब मैं 5-6 घंटा पढ़ता था। वो कहता था कि ये फेल होगा फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर में, तो मैंने कहा मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं 6-7 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन 8-10 घंटा सोता था, रिलैक्स भी रहता था, पिक्चर भी जाता था, सिनेमा भी देखता था, और मैं क्लास में कभी सेकंड नहीं हुआ, फर्स्ट नंबर ही रहा हरदम, टॉपर में रहा। और बट्टो मेरा मतलब कहने का है, इतनी पढ़ाई पर जितनी जोर नहीं देनी है, उतनी मानसिक शांति पर देनी है, आराम पर देना है, भोजन आहार पर देना है। यही एक नियमित कार्यक्रम है, नियमित करना है, नियमित करना है ना, नियमित करने से और धीरज रखने से होगा। हाँ, अगर आप शांति पैदा करोगे तब तो मेडिकल में आओ भी मत, क्योंकि परीक्षा हर घर ही है। धन्यवाद।